जय श्री राम साथियों, मेरा नाम अश्विनी कुमार बंसल है। मैं बाई प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर हूं और मैंने लगभग 25 साल भारतीय रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और एमसीडी में आदि में काम किया है। मेरा ज्योतिष में गहरा इंटरेस्ट है और मैं सन 2000 से ज्योतिष और वास्तु पढ़ा रहा हूं। हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेज बनाई थी जुलाई 2000 में और तब से हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। साथ साथ मैं भारतीय विद्या भवन में भी एज ए ऑनरेरी लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ। आजकल कोरोना की वजह से इंस्टीट्यूट बंद है और हमारे स्टूडेंट्स बार बार डिमांड कर रहे थे कि हम राम मंदिर के वास्तु के बारे में उनको कुछ बताएं। तो उनकी डिमांड पर हम मंदिर वास्तु पर डिटेल में बताएंगे विद रेफरेंस टू राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर का वास्तु अगर डिस्कस करना है तो हमें मंदिर वास्तु के बारे में डिटेल में डिस्कस करना होगा। तो मंदिर वास्तु विद रेफरेंस टू राम मंदिर अयोध्या, इनके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें भी डिस्कस होंगी कि घर का मंदिर है और जो पब्लिक टेम्पल है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और ज्योतिष की कुछ रिलीवेंट बातें, कुछ अध्यात्म की बातें, वो सभी इसमें डिस्कस की जाएंगी। ये सारी जानकारी हमने गूगल से, यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ और जो इसके आर्किटेक्ट हैं राम मंदिर अयोध्या के, उनके इंटरव्यूज़ से इकट्ठी की हैं। और जो फाइनल इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो फिर हम उसको बाद में अपडेट करेंगे। ये सारी जानकारी, इसके अलावा मंदिर वास्तु पर जो जानकारी है वो हमारी बुक कॉरपोरेट वास्तु मैमतम, वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट हैं मैमतम, मानसार, वास्तुमंडनम, विश्वकर्म प्रकाश आदि, इन क्लासिकल टेक्स्ट पर भी आधारित है। तो सबसे पहले तो राम मंदिर एज ऑन डेट, इसका जो नक्शा पास हुआ है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जो नक्शा पास हुआ है और पाइल फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है, वो उसकी जानकारी हम पहले ले लें, फिर इसकी वास्तु एनालिसिस शुरू करेंगे। तो ये आपके सामने राम मंदिर वास्तु का फ्रंट एलिवेशन है 3D में, सामने से हम देख रहे हैं। तो लास्ट में जो गर्भ ग्रह है उसके ऊपर शिखर है, वहां पर धर्म ध्वजा है, वो है पश्चिम दिशा, और फ्रंट है पूर्व दिशा। तो आपके राइट साइड में है उत्तर दिशा और लेफ्ट साइड में है आपके दक्षिण दिशा। तो ये राम मंदिर अयोध्या का फ्रंट एलिवेशन है 3D में। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी 3D में है, ये आप आग्नेय दिशा से राम मंदिर का दर्शन कर रहे हो, आग्नेय दिशा से देख रहे हैं हम। फिर आइए, ये राम मंदिर के अंदर से, अंदर जो गुंबद है वहां से दिख रहा है अंदर का दृश्य। तो अब आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर के मुख्य वास्तु का चंद्रकांत भाई सोमपुरा है, जिन्होंने गुजरात में अक्षरधाम मंदिर डिजाइन किया। उन्हीं के दादा प्रभाकर जी सोमपुरा ने सोमनाथ मंदिर को डिजाइन किया था। उनके दो बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, जो कि आर्किटेक्ट हैं, वो भी राम मंदिर अयोध्या में उनकी मदद कर रहे हैं। मूल रूप से कुछ परिवर्तनों के साथ एक नया डिजाइन अब 1988 के बाद 2020 में एक नया डिजाइन तैयार किया गया है, और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो पहले हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि डिजाइन क्या किया गया है, और उसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे कि वास्तु के हिसाब से कितना सही है ये। भव्य और दिव्य राम मंदिर 10 एकड़ में बनाया जाएगा। कुल जो जमीन है वो लगभग 67 एकड़ है, 67 एकड़, और उसमें 10 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण होगा, और शेष 57 एकड़ भूमि में सुंदर राम मंदिर परिसर बनाया जाएगा। राम मंदिर परिसर के रूप में बाकी जमीन विकसित की जाएगी। मंदिर 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार पूरा होने के बाद यह मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। मंदिर का मुख्य ढांचा एक उभरे हुए मंच पर बनाया जाएगा, जिसको जगती कहते हैं या प्लिंथ कह देते हैं, कुर्सी तल,
और इसमें तीन मंजिलें होंगी। भूतल होगा, भूतल पर रामलला विराजमान होंगे। दूसरी मंजिल जिसको फर्स्ट फ्लोर कह देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, उसमें राम दरबार होगा। और तीसरी मंजिल खाली रहेगी। तीसरी मंजिल को डिज़ाइन किया गया केवल मात्र आर्किटेक्चरल रिक्वायरमेंट की वजह से। मंदिर पहले दो मंजिला था, अब तीन मंजिला बनाया जा रहा है। उसकी विड्थ, उसकी लेंथ बढ़ा दी गई है, इसके प्रोपोर्शन में हाइट भी बढ़ाई गई है, तो तीसरी मंजिल बनाई गई है। लेकिन अब तीसरी मंजिल पर उसको खाली रखा जाएगा और वहाँ लोगों की एंट्री नहीं होगी। गर्भगृह और मुख्य प्रवेश द्वार के मध्य में पांच मंडप होंगे। सबसे पहले एंट्री पर जो आपने देखा था वो रंग मंडप होगा, उसके बाद नृत्य मंडप, उसके बाद गूढ़ मंडप और सबसे बाद में गर्भगृह होगा। जो गूढ़ मंडप है, गूढ़ मंडप के राइट साइड यानी उत्तर दिशा में एक मंडप होगा और एक मंडप दक्षिण दिशा में होगा। उत्तर वाले मंडप में उसको कहा गया है प्रार्थना मंडप, वो प्रार्थना के लिए होगा, और दक्षिण वाले मंडप को कीर्तन मंडप कहा गया है। जो पहला मंडप है एंट्री पर ही, उसको रंग मंडप कहा गया है, दूसरे मंडप को नृत्य मंडप, तीसरे मंडप को गूढ़ मंडप। दाएं वाला उत्तर वाले मंडप को कहा गया है प्रार्थना मंडप और दक्षिण वाले को कीर्तन मंडप। और इसे भारतीय मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि ये वास्तुकला की नागर शैली में बनाया जाएगा। उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है। नागर शैली में मंडपों को शिखर से सजाया जाता है, जो मंडप होते हैं उन पर शिखर बनाए जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली में शिखर नहीं होते, मंडपों पर शिखर नहीं होते। सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर होगा, जो लास्ट में आपने देखा था धर्म ध्वजा जहां थी वो सबसे ऊंचा शिखर होगा। सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह के ऊपर होगा जिसकी ऊंचाई 161 फुट रखी गई है। मंदिर का गर्भगृह बहुत विशाल होगा, 20 फुट चौड़ाई, 20 फुट लंबाई, ये कहा गया। देश में शायद ये सबसे बड़ा होगा। रामलला ग्राउंड फ्लोर पर यानी पहली मंजिल पर विराजमान होंगे, राम दरबार दूसरी मंजिल पर होगा और तीसरी मंजिल खाली रहेगी। गर्भगृह अष्टकोणीय होगा, जिसमें रामलला विराजमान होंगे वह अष्टकोणीय होगा। शास्त्रों में विष्णु मंदिर हेतु निर्धारित डिजाइन के अनुसार यह कहा गया कि विष्णु को अष्टकोणीय आकार पसंद है। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फुट की होगी। राम जन्मभूमि मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी होंगी। मंदिर परिसर में जो जो अन्य सुविधाएं होंगी उनमें से कुछ ये हैं। भगवान राम के जीवन पर आधारित फिल्में दिखाने के लिए एक 360 डिग्री थिएटर होगा। भगवान राम पर आधारित प्रदर्शनी हेतु गैलरी नंबर 1 और गैलरी नंबर 2 दो गैलरी होंगी। शास्त्रोचित यज्ञशाला, प्रार्थना केंद्र, वैदिक पाठशाला यानी वैदिक रीति से शैक्षणिक सुविधा, संत निवास, यात्री निवास, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर, जल कुंड, ओरिएंटेशन गैलरी, गौशाला, धर्मशाला, फूड कोर्ट, फवारे, पार्किंग की सुविधा होगी। पांच मंडप होंगे, सैकड़ों सीटों वाले सभागार के साथ कन्वेंशन सेंटर होगा, सत्संग भवन होगा, ध्वनि और प्रकाश शो आदि होंगे। राम मंदिर परिसर के अंदर राम कथा कुंज पार्क यानी एक व्याख्यान कक्ष भी बनाया जाएगा, जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होगा। राम मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिले अवशेषों का एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा। यहाँ भगवान राम और अवध से जुड़ी कलाकृतियाँ और पुरातात्विक प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित होंगी। राम मंदिर के निर्माण में भारत की प्राचीन और पारंपरिक निर्माण विधियों का पालन किया जाएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, IIT मद्रास के साथ साथ LNT के इंजीनियर वर्तमान में मंदिर स्तर पर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं। पाइल फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है। ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाएगा कि भूकंप में, तूफान में और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में भी मंदिर की स्थिरता बनी रहे। और मंदिर के बारे में कहा जा रहा है कि ये हजार वर्षों तक स्थिर रहेगा।
शुरू होने की तारीख से 3 से 3.5 वर्षों में इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। दृढ़ आधार के लिए लगभग 30 से 35 मीटर की गहराई से 1 मीटर डायमीटर वाले लगभग 1200 खंभे ऊपर उठाए जाएंगे। फाउंडेशन की वही टेक्निक यूज की जाएगी जो कि पुल बनाने में काम आती है। राम मंदिर की नींव इस तरह बहुत गहरी रखी जा रही है ताकि ये 1000 वर्षों तक स्थिर रहे। 30 साल पहले 2 लाख से अधिक ईंटें, जिन पर कई भाषाओं में श्री राम लिखा गया था, देश के विभिन्न हिस्सों से आई थी, उनका उपयोग नींव में किया जाएगा। इसके अलावा कंक्रीट और बेतवा नदी से प्राप्त मोरांग, उसका उपयोग राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए किया जाएगा, लेकिन लोहे का कोई उपयोग नहीं होगा। लोहे का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा। पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की प्लेटों का प्रयोग किया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए 6 लाख घन फीट के लगभग गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़ से लिया जा रहा है। पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लगभग 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्लेट लगभग 18 इंच लंबी यानी 1.5 फुट लंबी, 30 मिलीमीटर चौड़ी और 3 मिलीमीटर यानी 1 सूत मोटी होगी। इस तरह ये तांबे की प्लेटें देश की एकता का प्रतीक होंगी और मंदिर के निर्माण में पूरे देश के सहयोग का जीता जागता सबूत होंगी। शहर की सभी इमारतों को त्रेता युग की याद में पीले रंग में रंगा गया है। भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए। भगवान राम विष्णु का 7वां अवतार माने जाते हैं। मंदिर परिसर में एक नक्षत्र वाटिका बनाई जाएगी। 27 नक्षत्र माने गए हैं भारतीय ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र वृक्ष लगाए जाएंगे। नक्षत्र वाटिका बनाने का उद्देश्य यह है कि लोग अपने अपने जन्मदिन पर अपने नक्षत्र के अनुसार पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर सकते हैं और मंदिर परिसर में भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णित पेड़ों को राम मंदिर परिसर में लगाया जाएगा और इस पूरे क्षेत्र का नाम वाल्मीकि रामायण के नाम पर रखा जाएगा। इस चित्र में आप देख सकते हो, थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं नागर शैली के मंदिरों की। नागर शैली में मंदिर एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जिस तरह घर भी लगभग 3-4 फुट ऊंचाई पर बनाया जाता है आम घर, उसको कहते हैं प्लिंथ लेवल, कुर्सी तल। तो इसको नागर शैली में कहते हैं जगती, और जगती लगभग 17 फुट ऊंची होगी। मंदिर का लेवल, जहां से असली निर्माण शुरू होना है, ये कहिए एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 17 फुट ऊपर से शुरू होगा, तो वो जगती है। फिर जब एंटर करेंगे तो उसको कहते हैं अर्ध मंडप। एंटर वाला जो पहला मंडप है उसको कहते हैं अर्ध मंडप। अगर एक ही मंडप है तो मंडप कहा जाएगा, अगर कई मंडप है तो पहले वाला कहा जाता है अर्ध मंडप। यहां पर 1-2 मंडप है तो पहला अर्ध मंडप, दूसरा मंडप और तीसरा गर्भगृह है। ये मुख्य गर्भगृह, गर्भगृह के ऊपर ये जो मुख्य मंडप है इसको शिखर कहते हैं। ओके, और शिखर के ऊपर आप देख रहे हो ये जो गोल हॉरिजॉन्टल चक्र जैसी आकृति है, इसको कहते हैं आमलक, और सबसे ऊपर होता है कलश, और ये है गर्भगृह जहां मुख्य देवता विराजमान होते हैं, वो है गर्भगृह। भारतीय मंदिरों में इस तरह माना जाता है कि भगवान जो मूर्ति स्थापित की जा रही है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह उनमें प्राण हो, जिस तरह वो जीवित हो। हिंदू मंदिर के मूल रूप में वास्तु शिल्प तत्व कुछ मैंने आपको बताए, तो गर्भगृह वह छोटा कमरा होता है जहां मंदिर के मुख्य देवता निवास करते हैं, और भगवान राम के मंदिर में वो ऑक्टेगनल होगा, अष्टकोणीय, अष्टस्र भी कहते हैं इसको, और उसका साइज 20 फुट बाय 20 फुट होगा। शिखर, पर्वत जैसे शिखर जो पिरामिड से लेकर वक्रता तक अलग अलग आकृतियों वाले हो सकते हैं। मंडप, मंदिर के प्रवेश द्वार पर पोर्टिको या हॉल, जो आमतौर पर बड़ी संख्या में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए बनाया जाता है, यहां पर 5 मंडप होंगे। वाहन, मुख्य देवता का वाहन है,
साउथ के मंदिरों में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे साउथ के मंदिरों में बाहर नंदी की मूर्ति होगी मंदिर की ओर मुख किए हुए, लेकिन नागर शैली के मंदिरों में वाहन ज्यादातर नहीं रखा जाता।